हैदराबाद, जहां आलीशान घरों से लेकर झुग्गियों में रहने वाले सभी इस शहर को अपना घर मानते हैं। हर रोज न जाने कितने लोग इस शहर में आते हैं, कुछ अपने दिल में सपने लिए, कुछ उम्मीदें लिए, कुछ अपनी जिंदगियां बनाने तो कुछ जिंदगियां छीनने। एक चाय। थैंक्स भाई। किस लिए? उस प्रकाश को ऊपर पहुंचाने के लिए। साहब चाय। आज अच्छा मौका है, इसे बचकर जाने नहीं देंगे। बाजू के टेबल पे गुंडे बैठे हैं, वो आपको मारने की बात कर रहे हैं। तूने जॉनी के आदमी को मारा, मतलब तू इस शहर में नया नया आया है, क्यों? क्यों? इस शहर में रहने वाले कमीनों का काम तमाम नहीं कर सकते क्या? उसने मुझसे पंगा लिया तो खल्लास कर दिया। यानी कि तू जॉनी को भी टपका सकता है, क्यों? जॉनी क्या, जॉनी के बाप से भी मैं नहीं डरता, उसके भी रास्ते लग जाएंगे अगर मेरे रास्ते आया तो। मुझे इसका थोबड़ा पसंद नहीं आया। लगता है तुझे पैसे कम पड़ गए, कितना चाहिए बोल। ये ले। तेरे खेलने कूदने के दिन खत्म मुन्ना। क्या कर रहे हो? वो देख रहा है। तू जानता है तूने कहाँ थूका है? तेरे थोबड़े पर शीशा बीच में आ गया। नमस्ते भाई। प्रकाश को लुड़काने पर तूने मुझे थैंक्स क्यों कहा था? माफ करना साले। माफ करना साले, दिखता नहीं क्या? मन तो किया कि तप्पी साले को ठोक दूं। थप्पड़ का बदला थप्पड़ ठीक है, किसी को मारना नहीं, मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है। किसी को मारने के लिए ताकत नहीं, जिगर का होना बहुत जरूरी है भाई। मेरे सर पे 3 लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए गम खा गया, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उन लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकता है क्या? हाँ कुछ भी, मैं उनके लिए जान दे भी सकता हूँ और उनके लिए जान ले भी सकता हूँ। इसकी जान ले सकता है? मुझे इसका थोपड़ा पसंद नहीं आया। तेरी और मेरी सोच एक ही है। साले उड़ा दूंगा तेरे को, बिना फिरौती दिए बिजनेस करने चला है, बाप का राज है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। चाय भाई। चल जल्दी दे। अरे आपकी बॉडी तो एकदम पिक्चर के विलन जैसी है, आपका नाम क्या है भाई? कल्लू कालिया बोलते हैं अपन को। जाओ ऊपर चाय दे के आ। ठीक है भाई। भाई भाई वो लोग कल्लू कालिया को मार रहे हैं भाई। ए, देखो रे कौन है। काली को किसी ने मार दिया। क्या खबर सुनाई है, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब निकल गया है। उसे मारना किसी आम आदमी का काम नहीं है। एक बात बताओ, ये पुण्य कार्य किया किसने? हमने। ये बुलेट है और मैं गन हूँ, हमने मिल के लुड़काया। तुम्हारा नाम? देवराज। वैसे काली के साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पर तुम्हारे साथ प्यार था। शहर में एक ही शेर का राज होना चाहिए, इसीलिए उसका पत्ता साफ कर दिया। तुमने अच्छा काम किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सारी जिंदगी अपने उसूलों पर चला, आज तक किसी का कोई एहसान नहीं लिया। आप क्या, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस मुझसे हाथ मिला लो,
तुम्हारे सारे काले धंधे मैं कलरफुल कर दूंगा। तुमने जो कहा वो मेरे दिल को भा गया देवराज। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा नाम क्या है? जगन। मैंने तो डीआर से पंगा लिया था, तू बीच में क्यों आ रहा है? तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। डीआर का दुश्मन मेरा दुश्मन, वो मेरी वीकनेस है। तेरी हार में ही मेरी जीत है। खून बहा दूंगा लेकिन तुझे जीतने नहीं दूंगा। तेरा खेल खत्म हो चुका है। सारा सर्वे बता रहा है कि इस बार हमारी पार्टी जीतने वाली है, और मैं जीता तो इस बार मेरे लिए मिनिस्टर की पोस्ट पक्की है। लेकिन मेरा जीतना मुश्किल लगता है। अब मेरे लिए जो भी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। ये इलेक्शन जीतना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुमने अगर मुझे जिता दिया तो इस शहर पर तुम्हारा ही राज चलेगा। इस काम के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हम हर काम पैसों के लिए नहीं करते हैं। आपका घर बहुत अच्छा है। आज से ये तुम्हारा हुआ। पीछे पड़े वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं रेलवे स्टेशन के पास वाली गली में हूँ। दोस्त मुझे बचा ले यार, वो लोग मुझे मार डालेंगे। बचा ले यार भाई। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में जाके अटके। मुझे मेरी चेन मिल गई, मैं चला, तू अकेले मार खा। ओके सॉरी ब्रदर, मेरी इस चेन के चक्कर में मैं तुझे चोर समझ बैठा, बुरा मत मानना। ओके चल बाय। ऐसा मत कर यार, बचा ले मुझे। तेरा लफड़ा तू ही संभाल ले। ए चिकने, क्या टाइम पास लगा के रखा है? चल निकल यहाँ से। सुनो, कुछ पूछना था, मतलब अचानक मैं जा रहा था और मेरे भेजे ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया। क्या? मुझसे बदतमीजी क्यों? मैंने किसी को कुछ बोला, किसी को मारा, तो तुम लोग मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो? कोई बात नहीं, अंग्रेज पीछे सॉरी छोड़ गए ना, तो तुम लोग अगर मिलकर मुझे सॉरी बोल दो तो मैं चला जाता हूँ। हम लोग तेरे को सॉरी बोलेंगे। बहुत से येड़े देखे पर तेरे जैसा येड़ा नहीं देखा। अरे तेरा हाथ तो यहाँ तोड़ा। साला मेरी लुक से सब लोग धोखा खा जाते हैं। मैं एक्शन हीरो की तरह रोमांस करता हूँ और रोमांटिक हीरो की तरह एक्शन। Yeah!
अब तो सॉरी बोल दे यार। अब इससे ज्यादा मार नहीं खा पाऊंगा, सॉरी भैया। थैंक्स थैंक्स भाई। अरे थैंक्स गया तेल लगाने। इंटरव्यू देने के लिए तत्काल में लाइन में खड़े रहकर टिकट निकाली, टिकट के लिए जो पैसे भरे थे वो तो गए, साथ में मेरा वो जरूरी इंटरव्यू भी हाथ से चला गया। तुम्हारे चक्कर में मुझे रात भर सड़क पर सोना पड़ेगा। सोचा कहीं ढंग की नौकरी कर लेता, वो भी मौका चला गया हाथ से। आज तुझे देख के 25 साल पुराना देवराज याद आ गया मुझे। मेरे आदमी को बचा के तूने मेरा दिल जीत लिया। इंटरव्यू मिस हुआ ना, जिंदगी तो नहीं। आजा मेरी राज कंपनी में खुल के राज कर। भाई आपके आदमियों को देखकर लगता है कि ये कोई राज कंपनी नहीं है, ये तो कोई डी कंपनी लगती है। मुझे ये काम नहीं करना। ये सब फालतू की बात छोड़, तेरी आंखों में चमक और सीने में जोश देखा है मैंने। तेरा फ्यूचर सेट है, तू छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं, राज करने के लिए पैदा हुआ है। और हम दोनों मिलकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। आज से तू मेरा आदमी। ओके साले, हमारे साथ रहकर हमारी सारी बातें सरकार को बताता है। पैसों के लालच में आगे बेचारे ने किया होगा, छोड़ दो भैया। नहीं भैया, मैं इस साले को मार डालूंगा। अगर इसे टपकाने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की। मैं टपकाता हूँ। ये है मेरा शांति निकेतन। सुपर भाई, वैसे तो आप सारे शहर की नींद उड़ाने का काम करते हो और खुद इस जन्नत में चैन की नींद सोते हो, और नाम भी क्या रखा है, शांति निकेतन। यू आर ग्रेट ब्रो, इट्स ऑसम। रविराज रघुराज दोनों सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरी दो आंखें हैं। हाय मुरली। हेलो। हाय मुरली, दिखने में जितना चिकना है ना उतना ही चाकू की तरह तेज है। हाथ से ये भी हमारे साथ रहेगा। वैसे भाई ये राज कंपनी असल में करती क्या है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बोले तो? जो लोगों को ट्रबल देते हैं हम उनके लिए ट्रबल बन जाते हैं। किस तरह की ट्रबल, जरा खुलकर बताएंगे? पहले हम ये पता लगाते हैं कि किसकी प्रॉब्लम से हमें कितना फायदा होने वाला है, फिर हम वही प्रॉब्लम बन जाते हैं। रविराज प्रॉब्लम खड़ी करता है, मैं उस प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ और भाई अंजाम देते हैं। गॉट इट। मतलब तुम चोट पहुंचाते हो, तुम इलाज करते हो और अपने भाई पैसे वसूल करते हैं, है ना? सुपर्ब कॉम्बिनेशन। हेलो, इस कंपनी के सबसे खास आदमी से तो तुम अब तक मिले ही नहीं, बिना मिले ही एंट्री कर रहे हो। ये कौन है? मैं खुद ग्रेट डीआर का इकलौता साला हूँ। जीजा पूरे शहर को नचाते हैं और मैं इनको नचाता हूँ। बेसिकली मान ना मान मैं तेरा मेहमान टाइप के हूँ। और ये लोग? मेरी भाभी और हमारी बहन। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी भाभी, नमस्ते। नमस्ते। हाय आई एम मुरली। हाय आई एम कल्पना। आप मंदिर से आ रही हैं? हाँ, आज उनका जन्मदिन है ना। मतलब आज भाई का बर्थडे है? भाई हैप्पी बर्थडे, भाई हैप्पी बर्थडे। नीचे के जाएंगे भाई, क्या कर रहे हो? बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। अरे गले तो मिलो भाई, हैप्पी बर्थडे। भाई लोग, इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? मैं हूँ। आज भाई का बर्थडे है तो शहर में होगी पार्टी पार्टी पार्टी। हाय मुरली, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था काश मुझे भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करनी आती। कुछ भी, थैंक्स। थैंक्स? स्विमिंग नहीं आती इसलिए? नहीं, हमारे घर का माहौल बदलने के लिए। यहाँ तो हर रोज यही सुनाई देता है, इसे मार दो, इसके हाथ पैर काट दो। सुन सुन के थक गई मैं।
पहली बार ये घर घर जैसा लग रहा है मुरली, आज मैं बहुत खुश हूँ। उस जमीन पर कब्जा करना तो दूर, कोई उसके आस पास भी नहीं भटक सकता, और साले की इतनी हिम्मत। उस जमीन को भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, वो जमीन मुझे चाहिए। बहुत मुश्किल है भाई। एक्सक्यूज मी सर, ये जमीन, एक मिनट। ओ भाई, यहाँ आना। नाम क्या तुम्हारा? शेखर टकलू। तुम्हारे खिलाफ कोई केस चल रहा है क्या? ये काले कोट से पूछ लो। 3 मर्डर केस हैं इस पे। ओह, ठीक है भाई, तुम जाओ। सर, आप एक काम कीजिए, हमारे शेखर ने क्लाइंट को इस जमीन के 7 लाख रुपए दे दिए, ऐसा एक एग्रीमेंट बना के उसकी कॉपी सारे अखबारों में छपवा दीजिए। लेकिन हमारे पास ऐड देने के लिए एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। नकली बना लीजिए। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, इससे तो सारी मुसीबत ही हल हो जाएगी। वो जमीन का मालिक जो भागा भागा फिर रहा है, वो सीधे आपके पैरों में आकर गिर जाएगा। देखने में कैसा हीरो जैसा लगता है ना, लेकिन सारा मुझसे भी बड़ा क्रिमिनल है। अरे भाई, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो छोटे मोटे मैटर्स हैं। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। मुरली, कार कॉलेज के पहले ही रोक देना, मुझे एग्जाम्स के लिए कुछ बुक्स खरीदनी है। ओके ओके। बाय बाय। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, कॉलेज में भी एकदम सब फर्स्ट क्लास है। ये रख ले। थैंक यू। ये कौन है? अपना खबरी है, बहन की सारी खबर देता। अरे क्या हाल है मेरे भाई? हाय, इतने दिन। What's up, bro? कैसा चल रहा है सब? बाहर के 2 झिंगुर और ऊपर वाले की मदद से सब मस्त चल रहा है। तू ही हमारी कल्पना का ऑफिशियल खबरी है ना? यस। जो भी डीआर की बहन को पटाने की, लाइन मारने की या फालतू का लव लेटर लिखने की कोशिश करेगा, उसकी फोटो आंखों में छाप का सीधा प्रिंटआउट डीआर के हाथों में। ऐसा क्या? हाँ। इसकी प्रिंटआउट क्यों नहीं पहुंचा? क्यों झटके दे रहे हो भाई? गधे, देख क्या रहा है, भाई के पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं। भाई, रुलाओगे क्या? भाई भाई प्लीज भाई, अगर ये बात आपने डीआर को बताई तो इसकी जान जाएगी और मेरी कमाई। टेंशन मत लो यार, बता आग कहाँ लगी है, उसके दिल में या फिर तेरे दिल में? फायर ब्रिगेड बुलाऊं क्या? आग तो दोनों तरफ बराबर की लगी है भाई। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, तू बच के रहना। हाँ नमस्कार। मुरली, कॉलेज में मेरे दोस्त से मिले। मैं उससे वहाँ मिला और तुम्हें यहाँ खबर हो गई। सॉलिड कनेक्शन है। कैसा लगा वो? तुम्हारे भाई को उसके बारे में खबर नहीं है ना, इसीलिए अब तक वन पीस में है। ये सब छोड़ो ना, देखने में कैसा लगा वो? ओह कल्पना, अरेंज मैरिज करने वाली लड़कियों को लड़कों की लुक्स की फिक्र होती है, लव मैरिज में कोई ऑप्शन नहीं होता। वैसे शादी कब कर रही हो, मेरा मतलब भाग कब रही हो? बस देखते जाओ। हाँ देखते हैं कब झटका देती हो। भाई, इरशाद ने हमारे फार्म हाउस वाली जमीन पे कब्जा कर लिया। ए रघुराज, लगता है इरशाद का टाइम खत्म हो गया है। गाड़ी का 4 पंचर हो गया, तो रुक, मैं स्टेपनी बदल कर आता हूँ। अभी रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं है भाई, तुम स्टेपनी बदल कर आओ, तब तक मैं इरशाद से निपटता हूँ। साले कमीने, तू हमारे फार्म हाउस पे कब्जा करेगा? फार्म हाउस गया तेल लगाने, मैं तुम तीनों भाइयों को मार के तुम्हारी कंपनी को भी हथिया लूंगा। हमारी कंपनी को हथियाएगा? ए, साले भाई, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना, आओ यहाँ बैठो।
इरशाद। सिर्फ इरशाद नहीं, डॉन नंबर वन इरशाद भाई बोल। कितने पिल्लों को मारा तूने? क्या मतलब है तेरा? तेरी शक्ल से तू डॉन लगता नहीं, तेरी औकात सिर्फ पिल्ले मारने की। रही बात नंबर वन की, पहले तू मुझे एक पिल्ला मार के तो दिखा, उसके बाद खुद को इरशाद डॉन बोलते फिरना। भाई रास्ते पे मैंने चार पिल्ले देखे थे, आप कहे तो एक दो उठा के ले आओ। अरे चुप, ये ध्यान हटाने के लिए फालतू की बकवास कर रहा है। हम कोई उल्लू नहीं है जो इसकी बातों के जाल में फंस जाए। देख इरशाद, मैं तुझे 10 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर तू और तेरे ये आदमी फार्म हाउस से नहीं निकले ना। ओ, 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 रवि भाई, आप वहाँ रघु भाई के बिना अकेले क्यों गए? अरे तू मेरी टेंशन मत ले, मुरली है मेरे साथ, वो इरशाद की अच्छे से ठोकाई कर रहा है। अच्छा, घून के रख दे मुरली उसे। ये तो गया काम से, मैं खिसक लेता हूँ। आंख फोड़ डाल, दोनों आंखों को फोड़ डाल मुरली, मार दे और जल्दी गोली चला चला जल्दी चला, टपका दे। साले मुझ पे गोली चलाई, मेरा आदमी होके। चिता के बुझने से पहले वो इरशाद मेरे कदमों में होना चाहिए। जा, इरशाद कहाँ? वो काफी दिनों से आया नहीं है। क्या इरशाद ने खुद मेरे भाई को मारा था या किसी और ने उसकी मदद की थी? उसने खुद मारा, मैं बाकी लोगों को संभालने में लगा हुआ था और तभी इरशाद ने। इरशाद की तो इधर
अरे घने क्या कर रहा है, मुझे हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? मैं तो खाली सोडा खोल रहा था। अबे तेरे सोडा खोलने के चक्कर में मेरा गैस निकल गया। भाई, अगर हम डीआर को बता दे कि रवि को उस आदमी ने मारा था जो उसके साथ आया था, तो सारा मैटर यही खत्म हो जाएगा, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। अबे शेर कभी गीदड़ की बात सुनता है क्या? वो कभी नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानेगा? अबे घने इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसके भाई को मारा है। मैंने चाकू से लोगों को मरते देखा है, गोली से लोगों को ढेर होते हुए भी देखा है, लेकिन उसने उसे सब्जी की तरह काट दिया, एक दो नहीं पूरे तीन टुकड़े। अब नहीं बोलूंगा तो भी मरूंगा, और बोलूंगा तो भी। कोई रास्ता निकाल दे। इस पहेली को मैं सुलझाऊंगा। हाँ, ये है डॉन इरशाद और ये उसके आदमी, ये है मेरे रवि भाई और ये मुरली। जब मैंने रवि भाई को फोन किया तब मुरली इरशाद भाई के आदमियों को धो रहा था, भिशु, 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 भिशु। और अब बच गए ये तीनों, रवि भाई, मुरली और इरशाद डॉन। जब वो दो हैं और इरशाद अकेला, तो रवि भाई मर कैसे गए? वो मोटा तो अपना बोझ भी नहीं उठा सकता। फिर उसने रवि भाई के तीन टुकड़े कैसे किए? ये क्या कर रहा है? मैं चोर पुलिस खेल रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम इरशाद भाई के आदमियों की कुत्तों की तरह धुलाई कर रहे हो, ये बात मुझे रवि भाई ने फोन पर बताई थी। सही तो कहा था, मैं मार रहा था ना उन्हें। तो तुम्हारे होते हुए उस इरशाद ने रवि भाई के तीन टुकड़े कैसे कर दिए, ये बताओ। हाँ यार, ये बात अब तक मेरे भेजे में क्यों नहीं आई होगी? रवि भाई को मारने की ताकत, अकल और होशियारी सिर्फ तुम्हारे अंदर है, इरशाद में नहीं। मैंने सही कहा ना? सुपर्ब यार, तुम कोई मामूली डिटेक्टिव नहीं। ये तेरा जो कैलकुलेशन है ना, एकदम सही है, मेरे अलावा कौन मारेगा? यानी रवि भाई को तुमने ही मारा है? जब सारा सीन तुमने इतने साफ साफ समझा दिया है, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बाप रे, मैं ये बात अभी जाकर जीजा जी को बताता हूँ। करेक्ट, ऐसी बातों में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाके बता दो। जीजा जी, मेरे भाई का कातिल अब तक जिंदा घूम रहा है और तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जीजा जी, मुझे पता चल गया रवि भाई को किसने मारा है। तुझे क्या लगता मैं नहीं जानता हूँ? आप नहीं जानते। इरशाद ने मेरे छोटे भाई को मारा है, अगर वो नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मार दूंगा। अब जब तक इरशाद नहीं मरता, इस घर में ना कोई खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना चैन की नींद सोएगा। समझ गई ना? बता दिया। ये क्या भाई, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। उस इरशाद की नींद उड़ जानी चाहिए कि कब आप आएंगे और उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांप जाए, पर वो मजे कर रहा है, मैं और आप परेशान हैं। आप खाना पीना बंद करके अपने भाई का बदला लेंगे? जरा भाभी को देखिए, आपके लिए कितनी टेंशन में है। मैं वादा करता हूँ कि इरशाद आपको मिल जाएगा और आप अपने हाथों से उसे मारेंगे। सिर्फ मारूंगा नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हाँ यही तो भाई, बस अपना जोश ठंडा मत होने दीजिए, इरशाद को तो हम यूं ढूंढ लेंगे। सुनो, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे 2 मिनट बात कर लेने का ना। वैसे फोन किसका था? मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था, सिर्फ 2 मिनट बात करके कहाँ मन भरता, कई घंटे बात करो ना तब ठंडक मिलती है उसे। हाँ? तुम्हारी लवर भी है? मेरी लवर क्यों नहीं हो सकती, मतलब प्यार करने की यही तो सही उम्र है, और बिना प्यार के क्या मजा। कैसे अजीब सवाल करते हो भाई। अरे किससे बात कर रहे हो, इसने कहाँ किसी से प्यार किया है, इस साले को तो हर रोज नई लड़की चाहिए होती है। फिर तुमने मेरा दिल दुखा दिया ना, प्यार कोई 10 लड़कियों से नहीं होता, सिर्फ एक ही लड़की से होता है, और वैसे ये जो सच्चा प्यार है ना, बार बार नहीं होता। सोच समझ के, प्लान करके आप मर्डर को अंजाम दे सकते हो, पर सच्चे प्यार को नहीं। अरे वो प्यार ही क्या जो प्लान करके किया जाए, प्यार तो बस हो जाता है। ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तुम बताओ कि तुम प्यार में कैसे पड़े। उसे मैंने पहली बार बरसात के मौसम में देखा था।
क्या हो गया? ये कौन सी धुनकी में है? अरे कार्तिक, क्या हो गया भाई तुझे? आज मेरी किस्मत खुल गई, मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल गई है। क्या लाइफ पार्टनर? समझ नहीं आता उसके बिना इतने साल कैसे गुजारे मैंने। वैसे मिली कहाँ तुझे वो? बारिश में भीगती हुई। बारिश में? भाई लड़की भी बरसाती मेढक की तरह होती है, बारिश में ही दिखती है फिर गायब। नहीं यार, वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, वो मुझे जरूर फिर से दिखेगी और मुझे यकीन है मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। अगर वो तुझे दोबारा दिख गई तो समझना तेरा प्यार कामयाब हो गया। थैंक्स भाई। आपका कुरियर है। आरती की राखी है ये कार्तिक। मेरी बहन की दुआएं भी मेरे साथ हैं। अब तो मेरा प्यार कामयाब होकर रहेगा। तेरे लिए भी आई है। भाई सुन, आरती की राखी तो हमें मिल गई है पर उसके लिए गिफ्ट तो खरीदा ही नहीं। वो वाला, हाँ दिखाइए प्लीज। वो रेड वाला दिखाना। हाय, थैंक गॉड, मुझे इस बात की टेंशन हो गई थी कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। ओह, यू? नहीं, यू। वैसे तुम हो कौन? उस दिन जॉगिंग, आपके चेहरे पर पानी, गर्मा गर्म भुट्टा और उसके और बाद फिर उसे खाना, घर जाके सो जाना, तो क्या? एक बात जानती हो, आज तक किसी लड़की को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लो, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। इलाज डॉक्टर नहीं, तुम करोगी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। कहना क्या चाहते हो? आई लव यू। ये लव शव की बातें ना मुझे टॉर्चर करती हैं। अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो एनकाउंटर करवा दूंगी। मेरा प्यार तुम्हें टॉर्चर करता है? मैं बस तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, ये पूछना गलत है क्या? वन मिनट, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? इट्स 11 o'clock. टाइम पूछकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये कहाँ से खरीदी? इसी शॉप से खरीदी। मैंने ये पूछकर आपको कहीं टॉर्चर तो नहीं किया ना? इसमें टॉर्चर करने की क्या बात है? ओके, ओके। देखा, किसी को टॉर्चर नहीं किया। डोंट एक्ट स्मार्ट, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये बेकार की बातें ना मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली। करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। तुम खुद मेरे पास आओगी और आई लव यू टू कहोगी। तुम्हारे इन ख्याली पुलाव में ही तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। आजकल के नौजवान दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई में करियर में कोई दिलचस्पी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये हमारी कॉलेज की नई स्टूडेंट है, इसका नाम है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हाय, माय नेम इज सोनल। मेरा नाम गोपाल। थैंक यू। थैंक यू सर। आजकल बैंड बांध कर खुद को इंट्रोड्यूस करना लेटेस्ट फैशन है। नहीं सर, अगर मैं यहाँ खड़ी रहकर अपना नाम बताती तो ये सारे स्टूडेंट्स उसे सुनकर भूल जाते, इसीलिए मैं सबके पास पर्सनली गई ताकि हमारी दोस्ती शुरू से ही मजबूत बन जाए। भले ही आज इस कॉलेज में मेरा पहला दिन है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं आप सबको जानती हूँ। इस क्लास का हर स्टूडेंट अब मेरा फ्रेंड है। हाय। अरे कार्तिक, अपने क्लास में एक नई लड़की आई है। ओ। और उसने हम सबको फ्रेंडशिप बैंड बांध के अपना दोस्त बना लिया। हाँ, तूने मिस किया रे कार्तिक। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है, कहाँ है वो लड़की? यहीं कहीं होनी चाहिए। वो रही। कहना क्या चाहते हो? स्टॉप, कार्तिक तुमसे मिलना चाहता है। कौन कार्तिक? और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? जैसे इंडिया के लिए ताजमहल है, वैसे इस कॉलेज के लिए कार्तिक है। तुम्हें उसकी कलाई पर भी फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहिए, क्या बोलती हो? हाँ, तो मैं उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधने के लिए तैयार हूँ। आओ आओ, आ जाओ। कहाँ गया? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसी का फोन है। हेलो, मैं उसे ले आया, तू कहाँ चला गया? मैंने सोचा टेरेस से बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है, एकदम खुली हवा है यहाँ। एक काम कर, उसे यहीं ले आ। आओ आओ, आ जाओ। कहाँ चला गया? उसी का है। लाइब्रेरी में बहुत शांति है, एक काम कर, यहीं लेके आ जा। लाइब्रेरी में कहाँ है? हाँ मोहन, हम पहली बार मिल रहे हैं ना, तो लाइब्रेरी में मिलना ठीक नहीं होगा। एक काम कर, कैंटीन में आ जा। वेट,
मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाली। हम वहाँ जाएंगे और वो वहाँ भी नहीं होगा। दो मिनट बाद फोन करके कहेगा कहीं और आ जाओ, देख लेना। क्या कर रहा है यार, कॉफी ठंडी हो गई, जल्दी आना। यहाँ भी नहीं है। ओए कहाँ है यार तू, तेरे इंतजार में बैठे बैठे मैंने 8 कप कॉफी पी ली, सिर दर्द होने लगा, इसीलिए रिलैक्स करने के लिए मैं ग्राउंड में आ गया, यहीं आ जा। ओए चलती फिरती दुकान है, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेलो हेलो, पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें भी फ्रेंडशिप बैंड बांध दूंगी, लेकिन अब मैं नहीं बांधने वाली। यार एक बात बता करते, पूछ ना। उस लड़की को तूने पूरे कॉलेज की सैर करा दी, अगर तू उससे प्यार करता है तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहा है? देख ये ड्रामा सिर्फ तब तक चलेगा जब तक सोनल मुझे आई लव यू टू नहीं कहती, और उसके बाद मैं जिंदगी भर उसके पीछे भागने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सोनल। हाँ कार्तिक ने तुम्हें ये रोज देने को कहा था। जरा एक बात बताइए मैडम, आप अपना काम छोड़कर कार्तिक जैसे लोफर की मदद क्यों कर रहे हैं? कार्तिक मस्तीखोर हो सकता है लेकिन लोफर नहीं। तुम शायद जानती नहीं लेकिन कार्तिक ने लाइब्रेरी की हर एक बुक पढ़ी हुई है। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये लो। रेनू तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं क्या? मैं तुम्हें परसों दे दूंगी। अपना तो उसूल है यार, ना मैं किसी को उधार देती हूँ ना लेती हूँ। क्या बात है, बहुत अर्जेंट है क्या? यार मैं पैसे अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है, मुझे बस पेंटिंग्स खरीदनी है। पेंटिंग्स? वाओ चलो ना चल के देखते हैं। ये कैसी पेंटिंग्स है? अगर हम इन्हें पेंटिंग्स कहेंगे तो एम एफ हुसैन, पिकासो, इन सब की पेंटिंग्स पेंटिंग्स नहीं बल्कि सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगी। इन पेंटिंग्स को देख के आप सोच रहे होंगे इनमें क्या खास बात है, लेकिन कुछ भी सोचने से पहले जरा इन बच्चों को देखिए जो इन्हें बना रहे हैं। ये बच्चे इतनी परेशानी उठा के ये पेंटिंग सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनके पीछे आपके प्यार की ताकत है, प्यार जो इनके लिए सबसे अहम चीज है, और उन्हें ऐसा ही प्यार करने वाला शख्स है कार्तिक। तो ये है कार्तिक। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे अनाथ आश्रम में दान देने आते हैं, दिल खोल के दान देते हैं, अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन कार्तिक ने इन्हें एक नई राह दिखाई है। उसने इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। मिस्टर कार्तिक वुड यू प्लीज कम हियर प्लीज। भैया। हाँ बेटा क्या हुआ? हेलो हेलो, कार्तिक ने मेरे लिए आपके पास कुछ और भी छोड़ा है क्या? नहीं तो, इनफैक्ट वो कल से आया ही नहीं है। हाय सोनल, सुना है तुम आजकल मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। कमांड तो देखो ज्यादा स्मार्ट बनता है। और कोई कह रहा था कि तुम मुझे कुछ बैंड वैंड बांधना चाहती हो। वैसे आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पर शाम को तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। हे मी? यस, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फ्रेंडशिप बैंड बांध दूंगी, लेकिन अब भूल जाओ। तो अब मेरी ये समझ में आ गया कि तुम मुझे फ्रेंडशिप बैंड क्यों नहीं बांधना चाहती, क्योंकि तुम मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं, तुम तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो। क्योंकि अब हम दोनों लवर्स हैं तो शाम को एक दूसरे को फोन करके रोमांटिक बातें करना बनता ही है, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ना प्लीज। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो स्टूपिड कहीं के। क्या कहा तुमने? STUPID स्टूपिड। इतने ही स्मार्ट हो तो मेरा नंबर ढूंढ कर दिखाओ। मैं तो CM का नंबर आसानी से ढूंढ सकता हूँ, तुम्हारा नंबर क्या चीज है, 5 मिनट में ढूंढ लूंगा। पूरे 5 दिन का वक्त ले लो, अगर तब भी मेरा नंबर नहीं मिला तो तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना पड़ेगा। और अगर मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया तो तुम मुझे आई लव यू कहोगी, तुम्हें शर्त मंजूर है? उसकी नौबत ही नहीं आएगी, जो भी कहना है मेरा नंबर कहेगा। बाय। सर
Woohoo! Yes! 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 ये देख, मुझे नहीं पता था इसका नंबर इतनी आसानी से मिल जाएगा। हेलो? लगता है कोई आंटी है। अरे उनसे पूछ सोनल कहाँ है। हेलो? सोनल कहाँ है? सोनल तो घर पे नहीं है, वो इस वक्त कॉलेज में होगी। तुम कौन बोल रहे हो? मैं सोनल का क्लासमेट हूँ आंटी। सिलेबस के बारे में बात करनी थी, उसका सेलफोन नंबर दे सकती हैं आप? बेटा मैं पढ़ी लेकिन नहीं हूँ, मुझे तो बस फोन उठाना और काटना आता है। ये नंबर नंबर ढूंढना मुझे नहीं आता है, वो दिन में एक बार फोन करती है और मेरी बात हो जाती है। नो प्रॉब्लम बाबा, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन इनकी गैलरी में जाकर पता करते हैं, टेंशन मत ले तू। हाय रजनी, बाद में मिलती हूँ। हाय कार्तिक, सोनल से कुछ बात करनी है, उसका नंबर दो ना। उसे फोन पर बात करने से सख्त चिढ़ है, वो ज्यादा यूज भी नहीं करती, इसलिए वो अपना नंबर किसी को देती भी नहीं। यूज नहीं करती तो क्या टाइम पास के लिए लिया हुआ है? बड़ा स्टाइल मार के फोन लेके घूमती रहती है। तुम अपना दिमाग भी एग्जाम्स के वक्त ही तो यूज करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आते हो। बाय कार्तिक। हे नंबर, जब तक नंबर नहीं ढूंढता ये बहुत एटीट्यूड दिखाएगी, पता नहीं क्या करूं। अभी आता हूं। लाइब्रेरी के ज्यादा चक्कर मत काटा करो, जितनी अकल है उतनी लगाया करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारा BRAIN ब्रेन डैमेज हो जाएगा। बाय। चलो, इतने सारे दोस्त है पर कोई भी एक लड़की का नंबर नहीं ढूंढ सकता, यूज़लेस फेलोस। तू टेंशन मत ले यार, उसका नंबर मैं से चुटकी बजा के निकाल लूंगा। वो कैसे? लड़कियों का नंबर निकालना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तू नंबर कैसे निकालेगा? मेरी लवर अंजलि कब काम आएगी? वैसे भी हमारे काम की नहीं। तेरी तो सच कड़वा होता है। तुझे नहीं पता भाई, बात ये है कि मेरी अंजलि और तेरी सोनल रूममेट है रे, और रूममेट तो हर चीज शेयर करते ही है, नंबर क्या चीज है। प्लीज मेरा नंबर किसी को मत दीजिएगा डैडी, बेकार में फालतू के फोन आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, उसने किस नंबर से फोन किया था? मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ बेटा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ डैडी। तो मिस्टर कार्तिक, तुम्हें मेरे घर का नंबर मिल गया? बेचारे को मेरा नंबर ढूंढना था लेकिन मिला नहीं, खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझता है। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया, जरा अपने फोन से मुझे मिस कॉल दे दो ना। ओह, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा ना, मैं दे देती हूँ। इसे भी यही टाइम मिला था क्या फोन करने के लिए? अरे तू सोनल के फोन से मिस कॉल देने वाली थी ना। बकवास बंद करो और फोन रख दो। किसका फोन था? कोई लोफर है, बहुत दिनों से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जानते हो फोन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपना नंबर किसी को नहीं देती। सही कहा, मुझे अपने मॉम को एक फोन करना था, बैलेंस को भी अभी खत्म होना था क्या, मम्मी को एक अर्जेंट फोन करना था। तुम्हारा मोबाइल दो ना प्लीज। हाँ नंबर बताओ। 9703010538. मेरी जान, तुमने तो मेरे दोस्त की लाइफ बना दी, जल्दी से नंबर दो। अंजलि नंबर दो ना। सोनल के फोन से मैं अपने फोन पे मिस कॉल देने का प्लान बना रही थी, तभी इस गधे ने मुझे फोन कर दिया। और जब मैंने अपने फोन में बैलेंस ना होने का बहाना बना के इसे फोन किया, तभी ही इस गधे का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या हुआ, रात को फिर से ट्राई कर लेना। अब वो चांस चला गया। जब मैंने उसे ये कहा कि मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, तो उसने मेरे मोबाइल पे 500 रुपए का रिचार्ज करवाया। अगर इस उल्लू का फोन स्विच ऑफ नहीं होता ना, तो आज तुम्हें उसका नंबर मिल गया होता। कैसे ढूंढो इसका नंबर। 1, 4, 3 उसकी नौबत ही नहीं आएगी, जो भी कहना है मेरा नंबर कहेगा। फोन दे। ये ले। हेलो हेलो हेलो, यस।
लाइक दैट को। रजनी, यस, क्या ये तुम्हारी चाबी? हाँ, मेरी है। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे कैंटीन में टाइम पास करने से अच्छा है कि क्लास में जाके बैठो, इसी बहाने कुछ सीख भी लोगे। ज़्यादा स्मार्ट बनता है, मेरे दोस्तों के सामने मेरी ही इंसल्ट कर दी। मेरा नंबर ढूंढने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और नंबर ढूंढने की बजाय तुम यहाँ पर आराम से बैठकर टाइम पास कर रहे हो। तुमने मुझे बॉल से क्यों मारा? मेरा हैंडसम फेस बिगड़ जाता ना। शुक्र करो कि तुम बच गए, मैं तो किसी ऐसी जगह मारती कि हालत टाइट हो जाती। क्या मतलब, दादागिरी है क्या? क्यों, अब हवा निकल गई क्या? कैंटीन में तो मेरे दोस्तों के सामने बड़े हीरो बन रहे थे। क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें वहाँ देखा तक नहीं। लगता है मेरा नंबर तुम्हें मिला नहीं, इसलिए यहाँ टाइम पास कर रहे हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सॉरी बोल दो, सारा मामला यही सेटल हो जाएगा। कम से कम तुमसे फ्रेंडशिप तो कर ही लूंगी। सोनल, आज तुम मुझे सबके सामने आई लव यू 2 कहोगी, ये मेरा तुमसे वादा है, बस देखती जाओ। सो यू शुड गो एंड प्रैक्टिस। रघुराज, इरशाद पूरी बंदर इलाके में, जाओ। ए, चल रहे। घुसो, डोर बंद करो ना। अबे चल ना, जल्दी चल। अपुन है ना, अपुन सब संभाल लेगा। आप बस अपनी आंखें बंद करके आराम से भाग जाओ। गाड़ी निकाल भाई, इरशाद भाग रहा है। पीछा करो। अरे अपने आदमियों को। अबे तो चल यार। अबे तेज चल। क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अबे पेट्रोल की जगह कुछ और तो नहीं भर दिया? आप पहले 11 नंबर की बस पकड़ो। रुक साले। माँ कसम, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। रुक जा मुरली, भाई ने इसे जिंदा लाने को कहा है। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसने मेरी आंखों के सामने रविराज को मारा था। भाई इसकी बात पर यकीन मत करना, ये तिकड़मबाज छोकरा है। मौत सर पे है बेटे, ज्यादा टेंशन मत ले। भाई मैं टेंशन अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह ही मारेगा। भागो यहाँ से, भागो। साले वो मेरा आदमी है, मुरली हमारे लिए जान भी दे सकता है। वो अपनी जान तो नहीं देगा, तुम्हारी जान जरूर लेगा। जो सच है मैंने बता दिया। नमस्ते करता हूँ, तुम भी भागो, मैं भी भागता हूँ। बाकी कसम, इसी ने तेरे भाई को मारा है, यही मौका है, भाग ले। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे भाई के शरीर के 3 टुकड़े मैंने किए। साले अब चिल्ला के क्या फायदा, जब मैंने बोला था तो मुझे आग दिखा रहा था। अब हवा टाइट हो रही है, इससे पहले कि पूरी हवा निकल जाए तू निकल ले यहाँ से, वरना बिना टिकट ऊपर पहुंच जाएगा। जा रे बाबा, जा तू। साले तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने हमारे पीठ पे छुरा फूंका। गोली डाल दूंगा। देख क्या रहा है, गोली मार उसे। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ हूं। Ah!
भैया, मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करती हूँ। घर के हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों भाइयों की मौत के बाद आप गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा लें भैया, और हमारे प्यार का गला घोंट दें। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। मुझे माफ कर देना कल्पना। मुरली, इससे पहले कि कल्पना और उसका आशिक इस शहर से बाहर जाए, उन्हें पकड़ कर ले आओ। कहाँ हैं वो दोनों? माँ की कसम खाता हूँ भाई, इस बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं थी। मुझे आपकी बहन का चक्कर पता होता तो मैं आपको जरूर बता देता भाई। उस कमीने ने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। एक चिट्ठी के जरिए मुझे पता चला कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे और उस लौंडे को ढूंढ कर रहूंगा और उन दोनों को अपनी आंखों के सामने मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके डर और दहशत से उन दोनों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? आपको बिना बताए इस तरह भागने की वजह से उनका यही आश्रय होने वाला था। इसमें दुखी होने की क्या बात है, रिलैक्स करो भाई। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी बच्ची, मेरा सब कुछ थी, मेरी जान थी वो। लेकिन आप उसे ढूंढ के मारने वाले थे, अपनी आंखों के सामने काटने वाले थे। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो भाई, वो बिना आपको तकलीफ दिए अपने आप ही मर गए। आपको तो खुश होना चाहिए, मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस तरह की बातों से मेरा दिल मत दुखा, ताने मत मार। वैसे ही मैं सबको खो चुका हूँ और उसके ऊपर तू। मैं क्या हैवान दिखता हूँ जो अपने हाथों से अपनी बहन को मारूंगा? अगर वो मेरे पास आके मुझसे कहती कि भैया मैं इससे प्यार करती हूँ, तो मैं खुद उसका कन्यादान करता। पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर वो दोनों इस वक्त जिंदा होते ना, तो मैं तेरे सामने उनकी शादी करवाता। प्रॉमिस? मेरे दोनों भाइयों की कसम, उन्हें बस मेरे सामने लेकर आ। हाँ, बस अपनी बात से मत मुकरना, मैं उन्हें अभी हाजिर करता हूं। कल्पना, यहां आ जाओ। अपने भाई से कोई इस तरह लूटता है क्या? खुश रहो, इन्हें अंदर ले जाओ। थैंक्स। भाई, मैं वापस अपने गांव लौट रहा हूं। क्यों?
अब आपके दो भाई भी इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा भी यहां रहने का कोई मतलब नहीं। मैं ये काम और नहीं कर सकता। अगर इस धंधे में रहना है ना तो आपको अपनी जान देनी पड़ती है या फिर किसी की जान लेनी पड़ती है। अब मैं ये दोनों नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने गांव लौट रहा हूं। प्लीज मुझे रोकिएगा मत। एक गुड न्यूज़ है भाई। जगन, मैं पंगा मत ले जगन, मेरी दुश्मनी सिर्फ डीआर से है, तुझसे नहीं। भाई, मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूँ लेकिन डीआर के दुश्मन को नहीं छोड़ सकता कमीने। तू शायद भूल रहा है कि ये मेरा इलाका है। इलाके कुत्तों के होते हैं। बचपन से मेरा शौक रहा है किसी दूसरे के ठिकाने पर जाके उसका बेरहमी से शिकार करना। तेरा भी यही अश होगा। तू मेरे हाथों से डीआर को मरवाना चाहता है। वेलकम जगन। जैसे किसी नेक काम के लिए बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, वैसे ही मेरे पास आने से पहले तूने सरकार को ऊपर पहुंचाकर साबित कर दिया कि तू मेरा जगन है। सरकार को छोड़ो भाई,
इरशाद ने हमारे भाइयों को मारा है और जब तक मैं उसका सर काट के नहीं ला देता तब तक मैं आपका असली आदमी नहीं कहलाऊंगा। मैं जानता हूं जगन, ये काम सिर्फ तू कर सकता है। पहले थोड़ा आराम तो कर लो। अरे जगन कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी। और हाँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? बहुत छोटा था जब मैंने उसे देखा था। आजकल क्या कर रहा है वो? बस अपनी पढ़ाई खत्म करके कल यहाँ आ रहा है। अच्छा, चलता हूँ। ठीक, बाय भाभी। बाय जगन। अपने भाई को मेरा ढेर सारा प्यार देना। भैया कार्तिक कैसा है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे भैया? मैं ठीक हूँ, एकदम हीरो लग रहा है। क्या भैया अभी? पर आपने आपका क्या हाल बना रखा है? क्या तू कहे तो अपनी मूछें शेव कर दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए। मूछें तो मेरे भाई की शान है। ओ, इतना मस्का मार रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। क्या है, क्या छुपा रहा है बोल। बताता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। सोनल? हाँ भैया, यह है सोनल। नमस्ते। अच्छा तो तुम हो जिसकी वजह से इतना चहक रहा है। इसकी शक्ल देखो, कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। मेरा भाई एकदम छुपा रुस्तम है। आओ। वाव, क्या घर है। आज से इस घर के साथ साथ मेरे भाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जल्दी तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम दोनों की शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगा कि पूरा शहर याद रखेगा। भैया, सोनल के पापा चाहते हैं कि हमारी शादी पहले उनके गांव में हो जाए। सिर्फ एक शर्त पर, शादी के एक साल के अंदर मुझे एक प्यारा सा भतीजा देना होगा। उसकी मीठी आवाज सुन के मैं अपना दर्दनाक अतीत भूलना चाहता हूँ। हमने छोटी उम्र में अपने माँ बाप खो दिए थे, इसलिए परिवार का प्यार क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। आज से हम अब एक परिवार की तरह साथ रहेंगे। हम भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे, परिवार वालों को बुलाएंगे। यहाँ पर हर त्योहार मनाया जाएगा, हर रस्म निभाई जाएगी, चारों तरफ खुशियां होंगी। लेकिन उससे पहले आपको डीआर के लिए काम करना बंद करना होगा। कर दूंगा। जिसने डीआर के भाइयों को मारा है उसका सर काट के डीआर के कदमों में रख दूंगा, उसके बाद ये काम छोड़ूंगा। हाँ बोल, मैं पहुंच रहा हूं। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूं। कार्तिक, क्या तुम्हारे भैया सच में उस आदमी को ढूंढकर उसे मार देंगे? वो उसे ढूंढ भी ले फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्तिक, तुम भैया को समझाओ ना, ये सब गलत है। किसी को जान से मार देना ठीक है क्या? कभी तुम्ही ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारा पीछा किया तो तुम मुझे मार दोगी। तुम भी ना कार्तिक। सोनल, सोनल, एक किस दे दो ना, प्लीज 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 प्लीज, एक किस। ए भैया ने क्या कहा था याद है? तो उनकी बात पर अमल करना शुरू कर दे। एक बात बता। क्या भाई? तुझे क्या लगता है कि डीआर के आदमी यहाँ आके मुझे पहचान लेंगे? पहचान लेंगे तो क्या पकड़ लेंगे? पकड़ेंगे तो क्या मार देंगे? क्या भाई, पकड़ना तो दूर की बात है, वो तो आपको पहचान भी नहीं पाएगा। भाई मैं तक आपको पहचान नहीं पाया था, मैंने तो आपके चक्कर में नारियल पानी पास के मरीज को पिला दिया था। हाँ बस पहुँच रहा हूँ मैं, आप बस आराम करो। अरे इरशाद भाई, आप ये हेलमेट पहन के बेड पे काहे को लेटे हो? इधर आ। आया बताओ। अबे गधे, तूने मुझे पहचाना कैसे? नर्स, इसे सर से पांव तक बैंडेज में लपेट कर लेटा दो। ये बाहर गया तो पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हूँ। अबे सुन। हाँ भाई। धंधा मंदा चल रहा है, यहाँ बैठे बैठे टाइम पास भी नहीं हो रहा, क्यों ना यहाँ पे दो तीन किडनियाँ चुरा ले। भाई अब टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब आके डायरेक्ट आपका पोस्टमार्टम ही करने वाले हैं। भाई
एक बात बताइए, मैं अपना ठिकाना और भेष बदल के यहाँ छिपा हूँ, फिर भी आपने मुझे बिना सूंघे कैसे ढूंढ निकाला भाई? कोई कितने भी ठिकाने और भेष क्यों न बदल ले, उसके आसपास के उल्लू के पट्टे उसका पता बताई देते हैं। साले कबीरे, एक हेलमेट तू भी पहन लेता। भाई आप मुझे मार डाले उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा भाई, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपके आदमी ने आपके भाई का कत्ल किया है। वो आपके भाई के साथ मेरी जान लेने आया था। कौन था वो? वो आया तो था मेरी गेम बजाने, लेकिन उसने आपके भाई की गेम बजा डाली। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानिए, धंधे की कसम। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरा सर काट दीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? ये नीचे, मैं अपने खून की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच। जीजा जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मुरली ने ही उन दोनों को मारा। मुरली ने? हाँ जीजा जी, उसने खुद बोला था। जब तुझे पता है कि उसने मारा है तो तूने बताया क्यों नहीं? हाँ बोला था, मुरली ने खुद अपने मुँह से कहा था कि उसने दोनों को मारा था, ये उसने मुझे खुद बताया। ये बात तूने भाई को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया तो जीजा जी ने थप्पड़ मार दिया। जीजा जी, जीजा जी, मुझे पता चल गया रवि भाई को किसने मारा है। मुरली ने ही आपके भाइयों को मारा है, यही सच है। चल जा। ये साला मुरली कौन है? वो कोई आम आदमी नहीं है, दिखने में तो चिकना कौला पीस लगता है, लेकिन आदमी को बिल्कुल कसाई की तरह काटता है। जगन, किसी भी कीमत पर मुझे उसकी लाश चाहिए। वो वाली ड्रेस दिखाइए। हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है। कैसा है? ओके। हाँ बोल सुनील, तू वहीं पे रह, मैं अभी आता हूँ। सोनल, ये कुछ खास नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। सोनल तुम सिलेक्ट करो, मैं अभी आया। ओके। कहाँ है वो? अभी यही तो था। जाओ जाके छोड़ो उसे। ठीक है, चलो रे। हे कार्तिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं और सोनल थोड़ी शॉपिंग करने आए थे। ओ, डीआर के भाइयों का कातिल भी इसी मॉल में है। तू जा यहाँ से, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है जा। सोनल, मैं कार में हूँ, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। अरे लेकिन हुआ क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम आओ तो सही। वो मिला? भाई बहुत ढूंढा, नहीं मिला। ठीक है चलो। क्या कहा तूने? क्या हुआ? क्या बात? इसका कहना है कि तू मेरे भाइयों के कातिल के साथ प्यार से बात कर रहा था, इसने अपनी आंखों से देखा, तेरे खिलाफ फटकार आई है। मुझे देखा? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। तूने जब मुझे देखा तो बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? तू कहता मैं उस कातिल से बात कर रहा था। सुन, वो साला कहीं दिख भी गया ना तो उसे जान से मार डालूंगा। मैं उससे प्यार से बात करूंगा, तेरी इतनी हिम्मत? मारो मत भाई, मैंने अपनी आंखों से आपको बात करते हुए देखा था, आप भी थे, मतलब आप भी थे। झूठ बोलता साले। मैं जानता था आप मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं सीसीटीवी का फुटेज भी साथ लाया हूं। आप बोलो ना भाई, आप इस आदमी से मॉल में बात नहीं कर रहे थे? ये पागल है साला। पागल है। अबे साले, ये मुरली नहीं है, ये मेरा भाई कार्तिक है। ये तेरा भाई कार्तिक नहीं है,
मेरे भाइयों का कातिल मुरली है। नहीं भाई, ये मेरा छोटा भाई कार्तिक है, अभी दो दिन पहले ही शहर में आया। नहीं, झूठ है। उसने मेरे गैंग में शामिल होके मेरे दोनों भाइयों का खून किया है। भाई, ये तो एक छिपकली से डर जाता है, ये किसी को कैसे मारेगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई भाई। नहीं जगन भाई, इसी ने अपने भाइयों को मारा है। हद में रहे, हद में रहे। वो मेरा भाई है, खून कर दूंगा। मैं अभी जाके उसे यहां लाता हूं, सब सच सामने आ जाएगा भाई। ओके, वन लास्ट पीस। मैं पानी लेकर आती हूं। या कार्तिक, आप मुझे कहां ले जा रहे हो भैया? डीआर के घर। उनको लगता है कि डीआर के दोनों भाइयों का कत्ल तुमने किया है। यह सच है। यह तो क्या कह रहा है? जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने ही उन दोनों को तड़पा के मारा है। क्यों मारा? क्यों मारा उन दोनों को? आप नहीं जानते मैंने उन्हें क्यों मारा। तुझे सच का पता चल गया है ना? मैं जानता हूं तू उसे मेरे पास नहीं लाएगा। भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे भाई ने तो बस अपने दोस्तों की मौत का बदला लिया है। आपके भाइयों ने जो किया था उन्हें उसकी सजा मिली है। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज उसे माफ कर दो। माफ करना तो दूर की बात है, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि तू अपने भाई की लाश को पहचान भी नहीं पाएगा। देवराज, ध्यान से सुन ले। अगर तेरे सारे भाड़े के टट्टू मिल कभी मेरे भाई के पास फटके ना, तो उन सब के हाथ काट डालूंगा। ये बात गांठ बांध ले। हे, हे, चुप हो जा। मैं तेरा साला नहीं हूं जो तेरे आगे दुम मिलाता रहूंगा। बात का ना कभी हमें डर था और ना होगा। ये गिदड़ भपके किसी और को देना। जगन ने देवराज को बनाया है, देवराज ने जगन को नहीं। याद है मैंने तुझसे कहा था, मैं अपने लोगों की खातिर जान ले सकता हूँ और दे सकता हूँ। है तुझ में हिम्मत तो आ जा। कार्तिक, कार्तिक, मैंने तेरे भाइयों को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मेरे अपनों को छीन लिया। जाकर पूछ उनसे जिन्होंने तेरे भाइयों को मरते हुए देखा। आज भी वो नजारा याद करके उनकी रूह कांप जाएगी। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो मुझसे उलझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर मेरे दिमाग की हट गई ना तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मौत तक खौफ खा के घबरा उठेगी, समझा? कहां गया था? जानता है फिक्र के मारे जान निकल गई थी। आज से मैं आपको फिक्र करने का मौका नहीं दूंगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। कार्तिक, क्या बात है कार्तिक? कुछ नहीं, तुम्हारे पापा गांव में तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं ना?
तो तुम दोनों कल ही गांव के लिए निकल जाओ। भैया अब हमें निकलना होगा। एक मिनट, ये कुछ पैसे रख ले, और पैसे चाहिए तो बताना। ठीक है। एक और बात, मेरे फोन के अलावा किसी और का फोन मत उठाना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो। कार्तिक, अपना ख्याल रखना भाई। क्यों रे? मेरे पैर दबाते वक्त सपने देख रहा है? मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि अगले जन्म में भी हम दोनों साथ साथ रहें और जो सेवा मैंने की है उसका मुझे मेवा मिले। धूर्त कहीं का, अपने गुरु से पैर दबवा के सेवा करवाने का सपना देख रहा है। पापी कहीं का, पंडित को वाली शोभा नहीं देती, मैं तो हर जन्म में आपका सेवक रहूंगा। हाँ ठीक है। ये रेलवे क्या तुम्हारे बाप की जागीर है जो लंबे होके सोए हो? उठो, ये मेरी सीट है। गुरुजी आराम का वक्त खत्म हुआ। सोना हराम हो गया। मैं सारे के सारे उपनिषद और वेदों को न जाने कितनी बार पढ़ पढ़ के पी चुका हूँ। तंत्र मंत्र तो रटे हुए हैं। मेरा नाम है स्वामी श्राप वाला। ज्यादा बोलोगे तो श्राप दे दूंगा। गाली देता है, इस पापी को पंडित किसने बनाया? टीवी 10, टीवी 5, ए टीवी, बी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, चैनल कोई भी हो, प्रोग्राम की शुरुआत गुरुजी के प्रवचन से ही होती है। कभी टीवी भी देखा करो। एक नंबर का ढोंगी लगता है। जितने भी बापू हैं वो ऐसे ही चूर्ण देते रहते हैं, दिन में कृष्णा कृष्णा और रात में कृष्णा कृष्णा। तुम जरा अपनी जबान संभाल के बात करो। ये इसकी गलती नहीं है, इसकी ग्रह दशा इसे ये पाप करवा रही है। इसका भाग्य इसका सालों से साथ नहीं दे रहा है। गुरु कहो, बुद्ध कहो, शुक्र कहो, सब इसके लिए बाधा है। इसीलिए ये अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर किसी और की पत्नी के साथ रह रहा है। ये जुए में सारी प्रॉपर्टी हार गया है, सर पर लाखों का कर्जा है, और अब ये नई जगह नए लोगों को चुना लगाने जा रहा है। पंडित जी आप तो अंतर्यामी निकले हैं, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। जब तक तू अपने किए हुए पापों की सजा पूरी तरह से भुगत नहीं लेता, तू इस दुनिया से नहीं जाएगा, चाहे तू इस ट्रेन से कूद ही क्यों ना जाए। चल बैठ जा। अब तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? अरे 10 में से 2 बातें सच क्या हो गई तो ये पाखंडे भी अपने आप को बाबा समझने लगा। अरे बहुत देखे इसके जैसे, इसको बोलो हिम्मत है तो मेरे बारे में बोले। इसमें हिम्मत की क्या बात है, तेरा भविष्य तो अंधेरी की तरह काला है। पिछले 10 सालों में तूने 7 बार शादी की, फिर भी तुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। तेरे मन में इच्छाएं तो बहुत है लेकिन तुझसे होता कुछ नहीं। बच्चे के लिए न जाने कहां कहां माथा टेका, और अभी भी बच्चा पाने के लिए मंदिर में माथा टेकने जा रहा है। तेरा भाग्य इतना फूटा है कि तू दुनिया के किसी भी मंदिर में जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता बालक। मुझे माफ कर दो पंडित जी। मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। पंडित जी इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने अपने घर से भाग के शादी करने जा रहे हैं। ए, इन्हें शादी के लिए भागने की जरूरत नहीं है, इनकी शादी तो बड़े जोर शोर से होने वाली है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से। लड़की तो बड़ी खुश लग रही है, लेकिन लड़के के मुंह पे 12 क्यों बजे? इसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। इसका जन्म शैतानों का वध करने के लिए हुआ है, पाप मिटाने के लिए। ये पहले से ही 2 लोगों को मौत की सजा दे चुका है। कुत्ते की मौत मार चुका है। अरे आप होश में तो है, ये क्या कह रहे हैं आप? वो थोड़े बहुत मंत्र क्या पढ़ लिए? आपको लगता है आप दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी बन गए? आप यूं ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, मैं सच कह रहा हूँ, इसने 2 लोगों को मारा है। कैसे? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन मारने का तरीका हार्ड है। इसने 2 हत्याएं की हैं, ये बात तो तय है, ये मैं धोती उठा के कह सकता हूँ। अगर आप दोनों यहाँ से नहीं गए ना तो मेरे हाथों से 2 खून पक्का हो जाएंगे।
गुरुजी, आपने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। मुझे तो मोक्ष पाने का कोई शौक नहीं, आपको है तो आप बैठो वरना मेरे साथ चलो। चलो 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 निकलो, चलो यहाँ से। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ कार्तिक, तुम किसी का खून नहीं कर सकते। तुम भला किसी का खून क्यों करोगे? मैंने सही कहा ना कार्तिक, बोलो ना। मेरे माता पिता हमारे बचपन में ही चल बसे, भैया और मेरा कोई अपना नहीं था। हम दर दर की ठोकरे खा रहे थे, ना सर पे छत थी और ना खाने को निवाला। भैया बहुत भूख लगी है। नीचे गिर गया, दूसरा दे दो। क्या मुफ्त में मिलता है क्या? खाना है तो खा वरना फाड़ में जा। नहीं भैया, नहीं चाहिए। भैया लगता है वो दोनों बेचारे बहुत भूखे हैं, हम उन्हें अपना खाना दे दें। ये लो। नहीं चाहिए, हम दोनों का खाकर हो गया, अब तुम दोनों पेट भर के खा लो। खा लो ना भैया। खा ले। धीरे धीरे। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। हमें याद करने वाला कोई नहीं है। हम दोनों का भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी बहन। तो आज से हम सब एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। हम खुद को बदकिस्मत समझते थे कि हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन तकदीर ने हमें नए दोस्त दिए। हम अजनबियों की तरह मिले, लेकिन आगे जाकर एक साथ रहने और काम करने लगे। पर भैया ने मुझे काम करने से रोक लिया और मुझे पढ़ाने का फैसला किया। स्कूल में करवा दूंगा। मुझे स्कूल के पास रहने के लिए घर भी मिल गया है। आज से मैं और कार्तिक उस घर में रहेंगे और खुशी से रहेंगे। पर भैया, भैया मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ स्कूल में पढ़े। ठीक है, जैसा तू बोले। आरती और गोविंद भी आज से स्कूल जाएंगे। चलो अब जल्दी से तुम तीनों बताओ कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। और मैं पायलट बनूंगा। मैं टीवी पर खबरें सुनाऊंगी, फिर मेरा बहुत नाम होगा और सब मुझे जानने लगेंगे। ये लो माइक और खबरें सुनाओ। देखो ना भैया, कार्तिक मुझे चिढ़ा रहा है। मुझे बहुत देर हो गई। अंकल, इसमें एक लेटर है। ज्यादा देर तो नहीं हुई मुझे? नहीं नहीं, आप कभी देर से आ सकते हैं। घड़ी देख लीजिए, आप सही टाइम पे आए, हम ही सब लेट हो गए हैं। मैं टाइम पर आ जाता, पर क्या हो गया ना, मुझे एसटीवी के ऑफिस जाना पड़ा तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर लाने के लिए। सॉरी आरती, ये लो। तुम्हें आखिर अपनी पसंद की नौकरी मिल गई, क्यों? हैप्पी? थैंक्स भैया। दिखाओ। मेल बॉक्स से चिट्ठी निकाल के कहते हो ऑफिस से लेकर आए। आप बहुत स्मार्ट हैं हाँ भैया। आज राखी वाले दिन आपके हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू। थैंक्स। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं एसटीवी और मेरा नाम है आरती। सबसे पहले देखेंगे आज की हेडलाइंस। कार्तिक और गोविंद बहुत जल्दी इंजीनियर और पायलट बनने वाले हैं। उन्हें बैंगलोर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या किया तूने? उस कॉलेज में किस्मत वालों को एडमिशन मिलता है। भैया हम वैसे आपसे काफी साल दूर रह चुके हैं। भैया अब हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम यहीं आपके साथ रहेंगे। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ा लिखा नहीं था कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दो। सुनो, अगर तुम यहाँ रहे भी तो भी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। भैया लेकिन आप मुझे कुछ नहीं सुनना। कल से तुम दोनों कॉलेज जा रहे हो। जिस दिन तुम इंजीनियर और पायलट बन गए
उस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी, वरना मुझे बड़ा भाई कहने का हक खोदोगे, समझ गए? ये भैया भी ना। ये पैसे रख लो। आओ राजा, आओ। द ग्रेट जगन, इसे अब तक इस शहर का नंबर वन डॉन बन जाना चाहिए था, लेकिन आज ये सिर्फ एक गुंडे का छोटा मोटा चमचा कहलाता है। हाथ में बंदूक पकड़ने से कोई डॉन नहीं बन जाता, इतना ही खुद को बड़ा डॉन समझता था, चला गोली और दिखा दे कि तू क्या चीज है। गन देखते ही तेरी फट गई क्या जगन? ए, मेरा नाम है जगन और मेरे नाम में ही है गन। अगर मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो। देखो जगन, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए क्योंकि इसके अलावा तुमसे बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। 20 साल की मेहनत से मैंने अपनी कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया, लेकिन आज मेरी कंपनी को बचाने के लिए तुम्हारा डीआर मुझे इसका बड़ा हिस्सा उसके नाम करने को कह रहा है। अगर मुझे जिंदा रहकर अपनी कंपनी को बचाना है तो मेरे पास डीआर को मरवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। कब तक डीआर के चमचे बनकर जीते रहोगे? यही मौका है शहर का डॉन बनने का। सोच लो जगन। जगन, मैं तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे करना क्या होगा? वेलकम भाई। भाई, मैं असली तरक्की तब करूंगा जब इस बार का उद्घाटन आपके हाथ होगा। मेरे रहते तुम्हें तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा भाई। ये कहाँ ले जा रहा है? आपका खून करने के लिए। Are you sure? हाँ भैया। अरे जगन मेरा खून करने वाला है। शाबाश जगन, अब बजेगा डीआर का बाजा। हे डीआर, मैंने जब तुझसे हाथ मिलाना चाहा, तब तूने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी ना? आज तू इस सरकार के हाथों मारा जाएगा और फिर इस शहर पर मेरा राज होगा। गोली डीआर को छुए उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। अगले हफ्ते सेंट्रल कैबिनेट में फेरबदल। शहर में गैंग वॉर की वजह से न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। एसटीवी ने पुलिस ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा, वो 50,000 की रिश्वत ले रहा था। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। कुछ देर बाद देखिए हमारा खास प्रोग्राम एनकाउंटर, तब तक देखते रहिए एसटीवी। हेलो सर। हाय, ये है डीआर, शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हुआ। ये है मिस्टर मूर्ति, इंडिया की नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। इनके अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। कुछ दिन पहले डीआर ने मूर्ति को धमकी दी थी, हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी है। अगर हम किसी तरह इनकी इस डील को कवर कर पाए तो खबरों की दुनिया में तहलका मच जाएगा। सर ये काम तो बहुत ही रिस्की है। यू आर अनफिट फॉर जर्नलिज्म। सर। यस। ये केस मैं हैंडल करूंगी। देखिए मैडम, किसी ने आपको गलत जानकारी दी है, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी है और किसी में हिम्मत भी नहीं है। मैंने तो किसी डीआर का नाम सुना तक नहीं है। सर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज। हेलो, वन मिनट, एक्सक्यूज मी सर, वन कॉल। ओके। हेलो, भैया तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जगन। आप यहाँ पे कैसे? मैं एक छोटे से काम के लिए आया था। ओह। आओ कैंटीन में बात करते हैं। हाँ, ओके। आरती, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
प्रोफेशनल बातें नहीं बताते हैं। वैसे आप यहाँ कैसे भैया? प्रोफेशनल बातें नहीं बताते। चल इस पर साइन कर। क्या भैया, आप हमेशा जल्दी में रहते हो। ये साइन करेगा, बात को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। देखो अंकल, ये कागज हमारी कंपनी के सीए ने बनाए हैं और इसमें बस इतना सा लिखा है कि हमारे भाई ने तुम्हारी कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं जिससे वो कंपनी के बोर्ड मेंबर बन गए हैं। कागजों में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। आप आंख बंद करके साइन कर दो, टेंशन मत लो। तुम हैदराबाद के छोटे मोटे गुंडे हो गए। मैंने दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर न जाने कहां कहां के गुंडों को सबक सिखाया है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मीडिया टाइकून्स सब मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। मुझे धमकी दे रहे हो? हाय डैड। डैड, मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया हीरो के लिए। तुम घर जाओ, हम वहीं बात करेंगे। मुबारक हो हीरो, बॉलीवुड में एक और सुपरस्टार आ गया है। ऑटोग्राफ के लिए तो लाइन लग जाएगी। थैंक यू, पर आप लोग ये सोच लेगे तू हीरो है और हम विलन है और अब हम तुम्हें गोली मारने वाले। देखते हैं कि अब तेरा बाप पेपर्स पे साइन करता है या नहीं। सही है ना? रेडी, साउंड, कैमरा, एक्शन। नो, ओ मेरे बेटे शाम। मैं अब चलता हूँ, घर पर मिलेंगे। हाँ ओके भैया, बाय। डीआर के आदमियों ने चेयरमैन साहब के बेटे को गोली मार दी। ओ माय सन श्याम। ये किसने किया सर? डीआर के आदमी आए और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरी कंपनी बर्बाद क्यों ना हो जाए, मैं उन गुंडों को चैन से नहीं जीने दूंगा बेटा। सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी सर। नित्यम कंप्यूटर्स के मालिक मूर्ति रामकृष्णन के बेटे गोली मार के हत्या कर दी गई है। कहा जाता है कि इसके पीछे किसी बहुत बुरा हुआ ना। यस सर, ये लीजिए सर, ये सबूत डीआर के भाइयों को फांसी पर चढ़ाने के लिए काफी है। गुड, एसटीवी इज प्राउड ऑफ यू। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज कैसे याद आ गई कुमार? मिस्टर मूर्ति के बेटे को कल किसी ने गोली मार दी। आजकल इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। अपने रिपोर्टर को भेजकर आगे की जांच पड़ताल करवाओ। जांच पड़ताल हो गई है, इसीलिए तो आपको कॉल किया है। कीमत बोल अपनी। मैंने सुना है कि शहर के बीचों बीच तुम्हारी जगह है, वो जगह मेरे नाम कर दो, मैं वहां एक छोटा सा स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। चल दे दिया। बढ़िया, अपने भाइयों से कह देना वो बेफिक्र रहे। इस फील्ड में ऐसा चलता रहता है। आप कितने घटिया आदमी हैं सर, डीआर से तो बड़े अपराधी आप जैसे लोग हैं। आप अपनी तो आवाज नीची रखकर बात करो। मैं एमडी हूँ यहाँ का। मिस्टर एमडी, तुम्हारे पास जो सीडी है वो एक कॉपी है, ओरिजिनल मास्टर सीडी मेरे पास है। मैंने आंसू बहाते हुए मिस्टर मूर्ति से वादा किया था कि उनके बेटे के हथियारों को सजा दिलाऊंगी। डीआर के साथ साथ अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी मिस्टर एमडी। उससे मैं देख लूंगा। हे गोविंद, जो भी आरती के पास पहले पहुंचेगा ना, उसे उसके साथ जाने का मौका मिलेगा। okay. और जो लास्ट आएगा वो लगेज लेकर आएगा। मंजूर है? ओके, डन। रेडी, 1 2 3। Yes! हाय भैया, आप कब आए? अभी अभी। हाँ? चल 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 चल। आपको देख के कितनी खुशी हुई मुझे। भैया, कार्तिक भैया कहाँ है? तुझ तक पहले पहुंचने के चक्कर में लिफ्ट से आ रहा था, अंदर ही अटक गया। हाय भैया। ओहो, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, लाइट के आने तक वेट करना पड़ेगा। तुम्हारा ही नाम आरती है ना? नहीं नहीं, की क्या कर रहे हो?
रिपोर्टर आरती, चुपचाप हमें वो सीडी दे दो, हम चले जाएंगे, वरना फिर हम मजबूर हो जाएंगे। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? भैया आप कुछ मत बोलो। ओ बहना के भैया, चुपचाप हमें सीडी देने को बोल इसे। अगर उसके पास सीडी है भी तब भी वो तुम्हें नहीं देगी, तुम जाओ। चेहरा तू उसका भाई है ना? ये क्या गुंडागर्दी है? रुक जाओ! ये लो सीडी। प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। तेरी इतनी मजाल के तू हमें सजा दिलाने चली थी, तेरा ऐसा हश्र करूंगा कि कभी कोई रिपोर्टर नहीं बनेगा। छोड़ दे मेरी बहन को। मरे हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन इनके कातिल आज भी कहीं आजाद घूम रहे हैं। भैया वो तू मुझ पर छोड़ दे कार्तिक, तू जा। नहीं भैया, जब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जगन मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? उन दो मासूमों का कत्ल नहीं करना चाहिए था, सीडी तो हमारे हाथ आ ही चुकी थी, उन्हें धमकाकर बात खत्म की जा सकती थी। पहली बार मर्डर करने के बाद भी तुझे इतना दुख नहीं हुआ था तो अब क्यों? हाँ तू तो ऐसे दुखी हो रहा है जैसे वो तेरे सगे भाई बहन थे। छोड़ यार जगन, ऐसी छोटी छोटी बातों पर मायूस मत हुआ करो, ये तो हमारा रोज का काम है। हम जैसे लोगों ने कितनों को टपकाया बताओ। सब कुछ भूल जा, चल थोड़ी टरकाते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। आजा। क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? हाँ पक्का पहचान लूंगा। ठीक है तो फिर कंप्लेन लिख के दे दीजिए। बाय, आपके लिए फोन। ए, तुम दोनों को खून करते हुए किसी कार्तिक नाम के लौंडे ने देखा था? इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा रहा है। भैया साले को काट के रख देंगे। ए, हमें और किसी झमेले में नहीं फंसना है, मैं जाके देखता हूं।
तूने केस फाइल कर दिया ना, अब तो यहां से चला जाएगा। भैया कैसे चला जाऊं, मेरी आंखों के सामने मारा उन्हें, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए भैया। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वो कभी अरेस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया, खुलेआम खून खराबा करने वालों को सजा नहीं मिलेगी क्यों भैया, वो भगवान है। वो डीआर के भाई है। यानी आप सब कुछ जानते हैं? जानता हूं। ये सब जानने के बावजूद आप इस तरह चुप कैसे बैठ सकते हो? वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो डीआर के भाई हैं। तो आप उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवाते? वो इसलिए क्योंकि मैं डीआर के लिए काम करता हूं। बचपन में डीआर ने मेरा हाथ थामा और मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। हमारी भुखमरी के दिनों में उसने मुझे सहारा दिया। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था तो सिर्फ एक डीआर ही था जिसने मुझे गले लगाया। कल अगर वो मुझे मार दे तो भी आप यही कहेंगे? ए कार्तिक, ये तू क्या कह रहा है रे? मरे तेरे दुश्मन, तुझसे ज्यादा जरूरी दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। आज से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अपना ख्याल खुद रखूंगा। प्लीज आप मेरी जिंदगी में कोई दखल मत देना। मैं अब चाहे मर क्यों ना जाऊं, जब तक डीआर के भाइयों को ना मारूं मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तेरे दिमाग में बात घुसती क्यों नहीं है? अगर डीआर को पता चल गया कि मेरे भाई ने केस किया है तो उसका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। मेरी बात मान, तू यहां से कहीं चला जा। इंस्पेक्टर, एसटीवी की रिपोर्टर आरती और उसके भाई का कत्ल मैंने किया है। भैया, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, आगे मुझे गिरफ्तार कर लो। डीआर के खास आदमी जगन ने एसटीवी रिपोर्टर आरती और उसके भाई गोविंद के कत्ल में अपना हाथ होने की बात कही है। उसने आज पुलिस को फोन करके गुनाह कबूल। भैया, ये जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं। तुझे बचाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। पुख्ता सबूत न होने की वजह से मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा। मेरे जेल जाने के बाद तू यहां से चला जाना, वरना मैं अदालत में कत्ल करने की बात मान लूंगा और मुझे फांसी हो जाएगी। क्या सच में आप ही ने उन दोनों को मारा है? ये तो अदालत में ही साबित होगा। क्या आप और किसी का गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कुछ ही दिन में मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। चलिए। जगन, ये सब क्या है? तू जेल क्यों जा रहा है? भाई, मैं आपके लिए जेल क्या, नरक में भी कदम रख सकता हूं। हाय कार्तिक। हे कार्तिक, माना हम दोनों के माँ बाप नहीं है, लेकिन साथ में बड़े होते हुए कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। गोविंद, हम अब साथ नहीं है तो क्या हुआ, हमारी यादें तो हैं। तुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, बी हैप्पी। गोविंद, हाय भैया। इस तरह क्या देख रहे हो भैया? मैं हूं आरती। भैया, बेकसूर जगन भैया जेल चले गए और आप इतनी आसानी से सब कुछ भूल गए? वैसे भी आप हमारे लिए क्यों परेशान होंगे, हम सगे भाई बहन थोड़ी ना है।
हे कार्तिक, हमने अपनी जिंदगी साथ में बिताने का फैसला किया था, उन बदमाशों ने हमें जुदा कर दिया। उन्हें छोड़ना मत, उन बदमाशों को मौत के घाट उतार देना जिसने मुझे और तेरी बहन को बेवकूफ मौत दी है। प्यार किया तो डरना क्या मान के तुमने हम सबको हम आपके है कौन बना दिया। ये कौन है? ये मेरा भाई है। बंटी, जो बजा दे सबकी घंटी, इसे मेरे बारे में नहीं बताया? मैं जानता हूँ कि तुम एक दूसरे के प्यार में पागल हो, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ तभी होगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। एक साल तक तुम दोनों दूर रहोगे, ना ही कोई एक दूसरे से फोन पर बात करेगा और ना ही कोई इंटरनेट पर एक दूसरे से चैटिंग करेगा, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा प्यार एक दूसरे के लिए सेम टू सेम बना रहा तो तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगा। तब तक तुम अंदर रहोगे और तुम बाहर, मेरा मतलब तुम अंदर और तुम बाहर। सुनो, तुम छोटा मुंह बड़ी बात जानते हो। मानता हूँ कि मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन काम मैंने इतने बड़े किए हैं जो बड़े भी नहीं कर सकते। इसी वजह से तो सारा गांव मुझे बड़ा बंटी कहता है। भाई, मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं कर रहा था, तेरी चड्डी की बात कर रहा था। चड्डी की कोई प्रॉब्लम? काट डालूंगा। गाड़ी में सामान पड़ा है, साले साहब उसे अंदर लाइए। वेरी डेंजरस फेलो। क्या बात है, होने वाले जीजा जी तो बड़े हैंडसम हैं। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं शादी वादी ना करूं, इन्हें लेके सीधे भाग जाऊं। नमस्ते। मेरी फिरकी ले ली इस बंटी के इमोशन के साथ अत्याचार। इन्हीं हाथों से मैंने उसका लगेज उठाया। मन तो कर रहा था उसके कान के नीचे बजा दूं। आजकल के बुजुर्ग लोग तो बच्चों की राय लेते ही नहीं। वाय हाँ? आइए गुरुजी। ट्रेन देर से पहुंची, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी देर से क्यों भिजवाई? चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता हूं मैं, यहां तक कि अंबानी मेरा वेट करते हैं, और इनकी हिम्मत तो देखो, मुझे आधा घंटा वेट करवाया। सॉरी स्वामी जी, हमारे ड्राइवर को पता नहीं था कि आप भी उसी ट्रेन से आ रहे हैं जिससे मेरी बेटी और दामाद आ रहे थे। स्वामी जी बोलिए, अब शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालिए। बिल्कुल श्रीमान। ये दोनों? आप इन दोनों को पहले से जानते हैं? इन्हें क्या, गुरुजी तो इनको और इनके होने वाले बच्चों का भविष्य भी जानते हैं। पंचांग दो मुझे। ये लीजिए। आहा, क्या ग्रहों की सेटिंग है। 4 दिन बाद, मतलब 4 तारीख को 1:15:15 पर बहुत अच्छा मुहूर्त है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। वैसे दूल्हे का कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरे एक बड़े भाई है। और वो क्या करते हैं? बैठा बैठा बैठा। मैं जानता था वो हमें नहीं मिलने वाला। तूने उसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया होगा ना? इस दुनिया में मेरे लिए मेरे भाई से बढ़के और कुछ नहीं है। भूल जाओ मेरे भाई को। तेरे भाई को भूल जाऊं? उसने मेरे भाइयों को मारा है, उसे मार कर ही मैं दम लूंगा। देवराज, अगर तू मुझे मारने की 1000 कोशिश भी करे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे भाई को छूने तक की कोशिश की तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज मुझे मजबूर मत कर, वरना जो होगा अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथों तू मारा जाएगा। चलो।
हेलो भैया, तूने मेरे दोनों भाइयों को मारा। अगर तू कल तक मेरे पास नहीं आया तो तेरा बड़ा भाई मारा जाएगा। 24 घंटे हैं तेरे पास, अगर तू नहीं आया तो उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। अगर मेरे भैया को कुछ हुआ ना, तेरा पूरा वक्त शुरू हो चुका है। अंदर अपनी शादी छोड़ के यहाँ क्यों आया? मुझे डीआर का फोन आया था। तूने उसका फोन उठाया क्यों? उसने मुझे आपके फोन से फोन किया था। मेरे फोन से? शिट। भैया, आपको इस हालत में छोड़कर मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं होगा तो फिक्र मत कर, तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊंगा। तू अब जा। नहीं जाऊंगा मैं। अब अगर ऊपर वाला भी आकर मुझसे कहे ना तो भी डीआर को मारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। मुझे फोन करके मेरे भैया को मारने की धमकी देता है, छोड़ूंगा नहीं। सुन कार्तिक, शांत हो जा। इस तरह जोश में होश खोने से कुछ हासिल नहीं होता है। उसने मेरा नाम लेके तुझे यहाँ बुलाने का प्लान बनाया और तू आ गया, तो उसके प्लान में फंस गया है। हेलो कल्पना, कैसी हो तुम? मुरली, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेटा हुआ है। ओह कांग्रेचुलेशंस, उम्मीद है मामा के गुण नहीं लिए होंगे। ये तो अभी नहीं कह सकते। बेटा होने की खुशी में हमने एक छोटी सी पूजा रखी है, इसलिए पूरे परिवार के साथ मैं भोलेनाथ के मंदिर आई हूँ। फिल्म नगर में जो मंदिर है वही ना? फिल्म नगर, उसको बोल कि तू भी वहीं पर है। बोलना। अरे कहाँ खो गए मुरली? हाँ कल्पना, मैं भी दरअसल उसी मंदिर में हूँ। अरे तुम भी इसी मंदिर में हो, कहाँ? 5 मिनट बाद तुमसे मिलने आता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि देवराज भैया भी आए तो उनसे कहो कि मैं वहाँ हूँ, वो जरूर आ जाएंगे। मेरे इतने समझाने पर भी वो नहीं आए और तुम्हारे नाम से आ जाएंगे? मेरा नाम सुनेंगे तो भागते हुए आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं पूजा में नहीं आ सकता। आप तो पूजा के लिए नहीं आए पर मुरली आ गया। मुरली है वहाँ? हाँ। मैं अभी पूजा में आ रहा हूँ। Really? अभी वहाँ आ रहा हूँ। मैंने बचपन में चाकू इसलिए नहीं पकड़ा था कि तू मुझे लोगों को मारता हो देख सके। मेरा सपना था कि तू अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोले, तेरे लिए वो जरूरी है। ये सब तो मुझ पे छोड़ दे। लेकिन भैया, 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 भैया। भैया मुरली कहाँ है? यही कहीं होगा, आप आइए ना। हाँ, चलो। सोन। हाँ भाई। चप्पा चप्पा छान मारो और उसे वहीं खत्म कर दो। बहन जी, बच्चे को मामा की गोद में दीजिए। ये चावल को अग्नि में अर्पण कीजिए। तेल में बच्चे की परछाई देखने के बाद मामा के सर पर मंडरा रहे खतरे दूर हो जाएंगे। तेल में देखिए, वो हमें कहीं नहीं मिला। मुरली यहाँ आया था ना, कहाँ है वो? मैं भी उससे नहीं मिली हूँ, हमारी फोन पे बात हुई थी। तो तुमने ये क्यों कहा कि वो यहाँ आया है? उसने कहा अगर मैं आपसे ऐसा कहूंगी तो आप जल्दी आ जाएंगे। इस तेल में बच्चे की परछाई देखने के बाद आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलो भैया।
बड़ी गलती की तूने जगन। देवराज के खिलाफ होके तू अपनी जिंदगी के खिलाफ हो गया है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। ए देवराज, तू छोटी मोटी चोरियां करता था लेकिन मैंने तुझे देवराज बनाया। 10-12 हजार की सुपारी लेके तू अपना गुजारा करता था, मेरी वजह से तू इस शहर का डॉन बना है। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। तूने किया है, इसीलिए मैंने वो गाड़ी उड़ाई जिसमें तू नहीं बैठा था, नहीं तो मैं आज तेरी जान ले सकता था। चला जा यहाँ से। एक गाड़ी उड़ाने से कोई डॉन नहीं बनता। तू कल भी मेरे कदमों में था और आज भी है। मैं तेरा आदमी तब तक हूँ जब तक तुझे इज्जत से भाई बोलता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ। तुझे मार के शहर का डॉन बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जगन, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना भाई मेरे हवाले कर दे, तुझे जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं तेरी गैंग में सिर्फ अपने भाई की वजह से आया था, लेकिन अगर तू उसे ही मारने की बात कर रहा है तो फिर तू कौन है मेरे लिए? मेरी चप्पल के बराबर। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे भाई को भूल जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मार डालो साले को।